प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा आपका, 8 मार्क्स का है. डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ सप्लाई. नेचर ऑफ सप्लाई, नेचर मतलब इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है. क्या बेटा, इंटर स्टेट है कि इंट्रा, इंटर और इंट्रा, ठीक है, दैट इज व्हाट नेचर. और नेचर मालूम पड़ गया तो आप आराम से टाइप ऑफ टैक्स निकाल सकते हो. टाइप ऑफ टैक्स मतलब आईजीएसटी है, सीजीएसटी या एससीएसटी है, ठीक है, वो निकाल सकते हो. बराबर है बेटा, याद रखेगा तो ये चीज अपने माइंड में रखना सबसे पहला. चलो अब देखो क्या बोल रहा है आपको. सप्लायर एंड हिज लोकेशन किधर है, सप्लायर और उसका लोकेशन है, सब सेम ही है, मिस्टर सतीश इंदौर, चारों एक ही है, सेम सप्लायर. लोकेशन ऑफ द बायर, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन. बेटा थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया तो मैंने क्या बताया, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गया तो थर्ड पार्टी का प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सिंपल, जिधर थर्ड पार्टी है वही प्लेस ऑफ सप्लाई. तो ये केस में सिंपल सा फंडा है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होने वाला है, थर्ड पर्सन, जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी है, याद रखना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है. तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है इट मींस वो जहां है, जिधर उसका लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है. अब थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा सप्लायर को कि भाई किसको दे देना, रिसिपिएंट कौन है, मिस्टर सोनी, मिस्टर प्रकाश, लाइक दैट, ठीक है. तो वो केसेस हमने थियरी में पढ़ चुके, थियरी में पढ़ चुके वो केस. प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी किधर हुआ गुड्स का, तो डिलीवरी मतलब रिसिपिएंट है, मतलब रिसिपिएंट जिधर था, सूरत में था, वही प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स है, दैट्स इट. बट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो क्या बताया था मैंने, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, थर्ड पार्टी का प्लेस, ठीक है, जिधर थर्ड पार्टी है. देखो ये वाला थ्योरी, सी हियर दिस वन, दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, थर्ड पार्टी और एजेंट प्लेस, बिकॉज बिलिंग मेड ऑन हिम, सो दिस इज द केस ऑफ बिल टू शिफ्ट टू सिनेरियो वाला, दिख रहा ना, ये थर्ड पार्टी है. थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया सप्लायर को कि भाई एक काम करना, रिसिपिएंट जेड है उसको दे देना, वो जेड को गुड्स दे देना. तो मेन तो थर्ड पार्टी ने इंस्ट्रक्शन दिया ना, ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, थर्ड पार्टी का प्लेस, थर्ड पार्टी का प्लेस. वही सेम केस है इधर, तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई का कोई टेंशन नहीं है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका थर्ड पार्टी का प्लेस हो जाएगा. थर्ड पार्टी का प्लेस मतलब ये, दिस वन, ठीक है, बराबर. तो चलो, सो लेट्स सॉल्व इट. कैसे सॉल्व करना है आपको एग्जाम में दिखाना कैसे है, लेट्स डू इट नाउ. फॉर सॉल्विंग द सम आपने क्या किया, पूरा डायरेक्टली डिटरमाइनिंग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई और टाइप्स ऑफ टैक्स कौन सा लेवियबल होगा, ठीक है. तो ये पूरा क्वेश्चन ही था, 4 कॉलम्स थे अपने, सब पूरा हमने दिखा दिया. अब पहला प्लेस ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है, सेकंड नेचर ऑफ सप्लाई एंड टाइप ऑफ टैक्स लिवेबल. ओके, तो चलो आ जाओ. अभी बताया मैंने क्वेश्चन एक्सप्लेन करते टाइम पे कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, थर्ड पार्टी का प्लेस. कौन सा बेटा, थर्ड पार्टी का प्लेस. तो थर्ड पार्टी का प्लेस कौन सा है बच्चों, यस, अभी देखो थर्ड पार्टी का प्लेस क्या है, इंदौर. तो इधर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, इंदौर. ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी व्हाट, इंदौर. सेकंड में थर्ड पार्टी सूरत, तो प्लेस ऑफ सप्लाई सूरत. थर्ड पार्टी किधर है, सूरत में. थर्ड वाले में थर्ड पार्टी किधर है, मुंबई. मुंबई प्लेस ऑफ सप्लाई. और थर्ड पार्टी लास्ट वाले केस में किधर है बेटा, सूरत में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई सूरत, दैट्स इट, है कि नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई. चलो अभी नेचर ऑफ सप्लाई देखना है. नेचर ऑफ सप्लाई मतलब इंटर स्टेट है कि इंट्रा है, बराबर है. ट्रांजेक्शन जो सप्लाई हुआ है वो इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट है. तो आ जाओ, इंटर है कि इंट्रा के लिए क्या करते हो आप, नॉर्मल सी बात है, क्या करते हो इंटर और इंट्रा के लिए. देखो प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है, इंदौर में, बराबर है. प्लेस ऑफ सप्लाई है इंदौर. लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन किधर है बेटा, सप्लायर का लोकेशन किधर है, इंदौर में ही है, बराबर है. प्लेस ऑफ सप्लाई आपका इंदौर है, सप्लायर लोकेटेड है, सप्लायर का लोकेशन किधर है, इंदौर में.
तो ये नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा बोलो, इंटरस्टेट होगा कि इंट्रा होगा? इंदौर इंदौर मतलब सेम सेम स्टेट में है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो क्या होगा नेचर ऑफ सप्लाई? यस, इंट्रा स्टेट, बराबर है? ये नेचर ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में हुआ मतलब क्या हो गया, इंट्रा ना बेटा, तो ये हो गया इंट्रा, इंट्रा स्टेट सप्लाई। याद रखना बेटा, भूलना नहीं, ठीक है? आ गया नेचर ऑफ सप्लाई, क्या हो गया, इंट्रा हो गया, इंट्रा। तो बेटा टाइप्स ऑफ टैक्स कौन सा लेवेबल होगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सीजीएसटी एंड व्हाट बेटा, एसजीएसटी लग जाएगा, दैट्स इट, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा, खत्म, बराबर। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, अब बताओ नेक्स्ट में, नेक्स्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई किधर है? सूरत। कंपेयर कैसे करने का? देखो नेचर ऑफ सप्लाई निकालना है कि इंट्रा है कि इंटर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपका? सूरत। अब इसको कंपेयर किससे करोगे आप? सप्लायर का लोकेशन किधर है? इंदौर। चलो सप्लायर का लोकेशन है इंदौर, प्लेस ऑफ सप्लाई है सूरत, तो ये कौन सा सप्लाई हुआ, इंटर स्टेट सप्लाई हुआ कि इंट्रा? बोलो, इंटर स्टेट हुआ कि इंट्रा? यस बेटा, वेरी गुड बेटा, ये क्या हुआ, इंटर हो गया, वेल डन तृप्ति, वेरी गुड, ये इंटर स्टेट हुआ ना बेटा? यस, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है? तो ये इंटर स्टेट, क्यों इंटर स्टेट हुआ? दो स्टेट आ गया, टू स्टेट, सूरत आपका गुजरात, सूरत किधर आ गया, गुजरात में, इंदौर आ गया एमपी में, मध्य प्रदेश में, तो टू स्टेट हो गया, तो टू स्टेट हो गया तो इंटर स्टेट, दिस इज व्हाट, इंटर स्टेट सप्लाई, बराबर है? ये क्या हो गया बेटा आपका, इंटर स्टेट सप्लाई हो, ठीक है? और बच्चा अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है आपको पता ही है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज आईजीएसटी, क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी, दैट्स इट, आईजीएसटी हो गया, बराबर है? क्लियर, मालूम पड़ा? चलो थर्ड वन बताओ, नेक्स्ट वन, अब देखो इधर नेक्स्ट वन में आपके पास, देखो इधर प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई, आमची मुंबई, राइट है, प्लेस ऑफ सप्लाई है मुंबई, आमची मुंबई, और सप्लायर का लोकेशन किधर है? इंदौर। सप्लायर का लोकेशन है इंदौर में, इंदौर है सप्लायर का लोकेशन, बताओ क्या होगा ये, इंटर स्टेट की इंट्रा? यस, दो स्टेट के बीच में हो गया ना बेटा, सो क्या हो गया, इंटर स्टेट, वेल डन जुनैद, करेक्ट, ये हो गया इंटर। मुंबई महाराष्ट्र में है, इंदौर एमपी में है, तो टू स्टेट आ गया ना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तो दो स्टेट आ गया, तो नॉर्मल सी बात है कौन सा हो गया, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई, बराबर है? और बेटा इंटर स्टेट सप्लाई में क्या लगता है, आईजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई में आ जाओ, क्या लगेगा, आईजीएसटी, सिंपल, बराबर है? ओके, उसके बाद ना, आफ्टर दैट, चलो अब इधर देखो लास्ट वाला केस, प्लेस ऑफ सप्लाई है सूरत, क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई है सूरत, और सप्लायर एंड हिज लोकेशन है इंदौर। सप्लाई, देखो प्लेस ऑफ सप्लाई सूरत है और सप्लायर उसका लोकेशन किधर है, इंदौर में, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बेटा, सूरत, सप्लायर का लोकेशन है इंदौर, बेटा सूरत और इंदौर, कौन सा सप्लाई हुआ, इंट्रा कि इंटर? यस, इंटर, क्यों इंटर हुआ, सूरत आ गया गुजरात में, इंदौर आ गया मध्य प्रदेश में, तो बिटवीन टू स्टेट हो गया, बिटवीन टू स्टेट, तो बिटवीन टू स्टेट मतलब इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सप्लाई, बराबर है? और इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर, क्लियर, मालूम पड़ गया, याद रखना,
ठीक है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही इंट्रा था, ये वाला इंदौर इंदौर, क्योंकि दोनों सेम स्टेट में ही है, एमपी में, दैट्स इट, बस मालूम पड़ा। ऐसे आपको नेचर ऑफ सप्लाई, देखो नेचर ऑफ सप्लाई कितने लोग एग्जाम में पता ही नहीं कर पाते नेचर ऑफ सप्लाई है क्या, कुछ भी करके आते हैं। नेचर ऑफ सप्लाई मतलब क्या बच्चा, बेटा नेचर ऑफ सप्लाई मतलब उसका नेचर क्या, सप्लाई का इंटर है कि इंटर है, वो याद रखो। तो नेचर ऑफ सप्लाई पूछ दिया, कुछ भी करके आते, कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कुछ भी बना देंगे, ऐसा नहीं। नेचर ऑफ सप्लाई बताया ना, उसका थ्योरी भी लिया मैंने, थ्योरी भी बताया पढ़ाया। नेचर ऑफ सप्लाई मतलब इंटर है कि इंट्रा है, इंटरस्टेट सप्लाई है कि इंटरस्टेट है, और उसी के बेसिस पे आप टाइप्स ऑफ टैक्स लगा सकते हो। भाई इंटरस्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है, सीजीएसटी एसजीएसटी और यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी होगा तो एसजीएसटी की जगह पे यूटीजीएसटी आ जाएगा, बराबर है। तो इंटरस्टेट होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और इंटरस्टेट बिटवीन टू स्टेट है तो आईजीएसटी, दैट्स इट, बराबर है। तो अच्छे से याद रखना बेटा और अच्छे से इसको सॉल्व करना, बराबर है, मालूम पड़ा। यही है, ये वाला क्वेश्चन था आपका, ये वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था ये जो हमने अभी इधर सॉल्व किया है बेटा। तो याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स रखना, दिखा दिया हमने पूरा, करेक्ट। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना सब लोग, ओके। तो ऐसे ही आपको कोई भी केस आए उसके बेसिस पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालो, नेचर ऑफ सप्लाई निकालो, टाइप्स ऑफ टैक्स लेवेबल निकालो। ये तो थर्ड पार्टी का था इसलिए, बराबर है, मालूम पड़ गया। और अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता तो डायरेक्टली सिंपल सा फंडा बताया, अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई, ये देखो यही वाला केस, डायरेक्ट सप्लाई होता है। डायरेक्ट सप्लाई मतलब सप्लायर एक्स है, उसने किसको दिया, वाई को, तो वाई इज द रिसीवर ना, वाई को दिया तो वाई किधर हो रहा है, सप्लाई किधर हो रहा है, वाई के प्लेस पे, वाई महाराष्ट्र में है, समझो। अभी सप्लायर गुजरात में है, गुजरात से उसने सप्लाई किया गुड्स किसको, वाई को, सप्लायर एक्स ने सप्लाई किया वाई को, वाई किधर है, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में है, सप्लाई किया गुड्स वाई को, तो वाई इज द रिसीवर हो गया, और गुड्स किधर आ रहा है, महाराष्ट्र में आ रहा है ना, रिसिपेंट महाराष्ट्र में है, गुड्स महाराष्ट्र में आ रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र हो गया, सिंपल। डायरेक्ट सप्लाई इज वेरी सिंपल, ये सबका थियरी पूरा लेक्चर लिया है पीछे, ठीक है। सप्लायर एक्स सप्लाई कर रहा है वाई को, डायरेक्टली गुड्स सप्लाई कर रहा है वो, तो जो रिसिपिएंट है वो किधर है, महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र, ठीक है, बराबर है। तो ये सब पहले भी बता चुका हूं मैं, उसी के बेस पे आपको सॉल्व करना है, ओके।